के द्वारा वो यहाँ शहरों में भी मिलता है। आज के उन्होंने और बायती जी अध्यक्ष ने हेलो आप इसको ध्यान रखें। धन्यवाद हमारे बीच धन्यवाद डॉक्टर गोपाल जी। हमारे बीच में राजस्थान के पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा कांग्रेस के आया कुशिंदर से चौधरी इनके समर्थन में अरे यार प्रधानमंत्री आ जाओ इसको देख सकते हैं। और मंच पे विशाल जैसा कि आपको पता है धर्मेंद्र राठौर साहब डॉक्टर विकास चौधरी हमारे नौजवान साथी और विधायक नसीम अख्तर जी आदरणीय हमारे माथुराम बाबा जी सिसोदिया जन्मदिया जी ज्योति गोली राकेश पारी जी महेंद्र नाथा जी शिव प्रसाद गुर्जर बाबूलाल नागर राजकुमार जयपाल विजय जैन प्रभुजी मनोहर जी गुर्जर हमारे मंच पर भाई और बहनों आप सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी छोटा राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने सोनिया गांधी जी ने राहुल गांधी जी ने रामचंद्र चौधरी जी को कांग्रेस का उम्मीदवार बना दिया। रामचंद्र चौधरी को घोषित किया गया है आप सबकी भावनाओं को देखते हुए। किसान वर्ग का व्यक्ति जो 50 साल की सेवा कर रहा है पशुपालन की छत्ती जी कौम की दिल में प्यार है किसानों के प्रति डेयरी में काम करके उन्होंने क्या काम किया है लगातार अच्छे करते हैं जो नवाचार की डेयरी में वो भी आ गया इनके सुझाव पे हम लोगों ने प्रति लीटर 5 रुपये जो देने का प्रयास किया वो रामचंद्र चौधरी के प्रयास के सरकार बदल गई हमारी बीजेपी सरकार आई 2 रुपये बंद कर दिया इतना हमें 2 रुपये 5 रुपये कर दिया अब मैंने सुना कि अभी उन्होंने उसको रोक दिया ये चाहते क्या ए भाई कहते क्या है समझ में आता ये कमाल है देश चला रहे मजा कर रहे हैं ईडी गवर्नमेंट सीबीआई छापे डाल रहे हैं करंट बता रहे हमारे लोगों को जैसी पार्टी ज्वाइन करते बीजेपी की वॉशिंग मशीन लगी हुई वहां अपना आप लोग घरावा बाहर निकल इलेक्ट्रॉनिक वाहन का घोटाला किया था बड़ा सुप्रीम कोर्ट की रोक लगाई प्रधानमंत्री जी सफाई देते घूम रहे उसकी कमाल है ईडी भेज 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 के आप लोगों ने 50-100 करोड़ 200 करोड़ मंगा लिए बॉन्ड मंगा लिए और देश की पिटमई सीतारामन जो है रेडी सीतारामन जी के जो पति जी हैं ये गोटा हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है इससे बड़ा सर्टिफिकेट वो पुरुष है तो कहने के मानते हैं देश का हालात बहुत गंभीर है मुख्यमंत्री जेल में बैठे 2 मुख्यमंत्री जेल बैठे हुए अमेरिका ने और जनता ने क्या मान लिया देश के अंदर आपने संवैधानिक पदों पर चुने हुए लोगों को जेल में डाल दिया आपने कांग्रेस खाते बंद कर दिए हमारा खाते बताइए आपका खाता बना है व्यापारी बंद हो जाए क्या वो व्यापार कर सकता है आज कोई मेला होता नहीं है चुनाव के अंदर
शर्मग्रास्कर जो है ये नो उसने कहा कि लोकतंत्र है क्या जहाँ पर राष्ट्रवादी पार्टी बड़ा योगदान है आजादी के लिए इंदिरा गांधी से गए राजीव गांधी से हो गए तो एक रखा अखंड रखा खालिस्तान ने बनने दिया दो टुकड़े कर दिए बांग्लादेश को आजाद करवा दिया। आप बताइए उस पार्टी का खाता बंद कर दिया आपने और चुनाव के मैदान में जा रही है फिर चुनाव के लड़वाएंगे ये तो भला हो देश की जनता का। जनता समझ गई कांग्रेस पार्टी में कमी है खाते बंद हो गए इसलिए वो सही कर दिया। हर दिन हमारे पक्ष में हवा बनती जा रही है। दूसरा जो हमारे कार्यकर्ता है वो समझ गए कैंडिडेट का पैसा नहीं है ये ऐसी दे नहीं पा रही है वो भी पैसा नहीं मांग रहा है। ये माहौल जो बना है ये माहौल अपना एक मैसेज देता है इसके अंदर प्रदेश के अंदर चौका और पड़ा आएंगे ये मैं हमारी सरकार इतने अच्छे काम से इतने अच्छे काम से अब बातें मैं आपको क्या गिरा हूँ टाइम नहीं है थोड़ा देरी हो गया अंदर ही और एक हो रहा हूँ आपका जयपुर पहले करना पड़ता है जाऊँगा आपको इतनी योजना हमने शिक्षा में इंग्लिश स्कूल खोल दिए हम लोगों ने कॉलेज खोल दिए तीन सौ कॉलेज खोल दिए मैंने लड़कियों के तीस कॉलेज खोल दिए विश्वविद्यालय खोल दिए स्वास्थ्य लोगों काम कर दुनिया में नहीं है कहीं पर हिंदुस्तानी बात छोड़ो दवाएं फ्री ऑपरेशन फ्री MRI फ्री ट्यूशन फ्री। अरे गरीबों का मध्यम क्लास का पूरी जनता का नहीं माया 25 लाख का है हिंदुस्तान में। अभी मैंने पेशा बीपी का 76 साल के बुजुर्गों को 5 लाख का बीमा देंगे उसमें लिखा हुआ है। अरे हम तो 25 लाख उनको दे रहे हैं चाहे बुजुर्ग हो चाहे नौजवान हो कोई भी हो हर नागरिक को दे रहे हैं। पानी योजना बनी जल मिशन घर घर जल आएगा प्रधानमंत्री से ले रहे हैं। अरे भाई आप खाली 45% पैसा दे ईश्वर गवर्नमेंट का 45% पैसा था 10% पैसा स्टेट में पब्लिक से इकट्ठा करना था ये केंद्र की सरकार की शर्त थी। हमने घोषणा कर दी है राजस्थान में हम किसानों से पैसा नहीं लेंगे 10% पैसा भी सरकार भरेगी ये मैंने स्कीम में डाल रखा जिससे आराम से स्कीम आगे बढ़ सके। बिजली योजना में सोलर प्लांट लग रहे हैं 1.5 लाख किलोमीटर सड़कें बना दी हम लोगों ने 3 लाख नौकरियां दे दी हम लोगों ने 4.5 लाख बिजली कनेक्शन दे दिए। अब जो हमारा मैनिफेस्टो आया है तो राहुल गांधी की जो यात्रा थी बागडोर यात्रा बागडोर न्याय यात्रा उसके अंदर जो पब्लिक लाखों लोगों से मिले उन्होंने जो बताया है पब्लिक क्या चाहती है वो मैनिफेस्टो में वो एक प्रकार से उसका सारांश है। ये आपको गारंटी कार्ड मिले होंगे मगर आप मांग के ले लीजिए कांग्रेस दफ्तर से कार्यकर्ताओं से सारी 25 गारंटी इसके अंदर है। आप पढ़ोगे आपको गर्व होगा मैं कह सकता हूँ गर्व होगा इतना सावधानी है डॉक्यूमेंट मैं 55 लाख कर रहा हूँ ऐसा डॉक्यूमेंट मैंने कभी नहीं देखा सोशल सिक्योरिटी का हर वर्ग का युवा न्याय नारी न्याय किसान न्याय श्रमिक न्याय और ईश्वरी न्याय आप पढ़ोगे डिटेल के अंदर आप सोच नहीं सकते इतना शानदार मैनिफेस्टो कांग्रेस का है। और दूसरी तरफ इसमें साइन किए हुए हैं खड़गे साहब के राहुल गांधी एक गारंटी कार्ड है ये हमारी क्रेडिबिलिटी है विशेषण करना विश्वास करने योग्य बातें हैं। और मोदी जी के मैनिफेस्टो झूठ का पुलिंदा है। अरे झूठे वाले किए थे मोदी जी भूले क्या काला धन ले जाऊंगा सड़कों में है नाम देते क्यों 15 लाख खाते में डाल दूंगा जुगना हो गया बंदी कर दी 2 लाख नौकरी दू 2 करोड़ लूंगा प्रति वर्ष। अब बताइए 10 साल में 20 करोड़ होती है छोटी 20 करोड़ आपने 1 करोड़ दी है नौकरी 2 बार गायब हो गया किसानों की आम दुग्नी करूंगा 700 किसान मारे गए हैं हड़ताल करते करते तीन काले कानून आ गए हमने असेंबली में उनको रद्द कर दिया नए कानून पास किए किसानों ने अलग बजट मैंने पेश किया 2000 यूनिट बिजली फ्री कर दी किसानों के लिए उपभोक्ताओं 100 यूनिट बिजली फ्री करी 1 करोड़ किसानों का बिल जीरो हो गया एक नया कानून
इस प्रकार से इतने काम किए कि क्या क्या गिना है, क्योंकि थोड़ा टाइम कम हो गया, माफी चाहता हूँ। हर गरीब परिवार की महिला को 1 लाख रुपए मिलेंगे, ये हमारे मैनिफेस्टो में लिखा है, आप सोच सकते हो। नौकरी नौजवान को अप्रेंटिस करेंगे, 1 लाख देंगे उसको। MSP का कानून पास होगा, मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, मेरे साथ मेरे मुख्यमंत्री था उस वक्त, वो भी मुख्यमंत्री थे, सब बोला करते थे हमारी मीटिंग में, MSP का कानून पास होना चाहिए। किसानों कर्जा माफ करने के लिए आयोग बनाएंगे, सुनवाई होकर के फैसला होगा, कोई किसानों की जमीन नीलाम नहीं हो पाएगी, ये कानून बनाएगा। ये वादा किया कांग्रेस ने, हमने कानून पास करके रास्ता आ गया था पहले से। चलो रोजगार देंगे, नरेगा के लिए चलो देंगे, हमने रास्ते में शुरू कर दिया। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, कृपा करके 400 रुपये मजदूरी कम से कम, ऐसे कई आरक्षण की सीमा समाप्त करेंगे तो मैं आपको हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा। ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जब एक साधारण कार्यकर्ता को कांग्रेस पार्टी का या कोई पार्टी टिकट मिल जाए। रामचंद्र चौधरी जमीनी नेता है, जिंदगी बिता दी आप जिस में रहते रहते उसी उस परिवार में, और सेवा भाव रखा हमेशा, और जो सामने वाले उम्मीदवार है 50,000 आए मेरे क्या सभी को वही है मेरे, और हमारे नौजवान साथी विकास चुनाव जीते हैं, 5 साल में कभी हारा आपने उसमें, तो बताइए MP का काम क्या होता है। 3 बातें होती है भाई, मैं आपके बीच में आता जाता हूँ, नंबर 1, नंबर 2 आपके सुख दुख में साथी बनूंगा, और नंबर 3 निकाले भाईदार बनूंगा, 3 वाले निभाई बने सारे। ये 24 MP है, यही तो हनुमान रहने वाले अपेक्षित तो अलग हो गए, हमसे हमारे साथ आ गए। 24 MP को पूछो, आपका राज दिल्ली के अंदर आपने रास्ता के भरे के लिए क्या किया, इंटरेस्टर के पानी के जरूरत होते हैं मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, आप लोग बात उठाई, प्रधानमंत्री बोलने गए यहाँ पर, ये आरसीपी अजमेर भी उठा, 13 जिले हैं, 2 लाख हेक्टेयर जमीन चीजें होती है, मैं राष्ट्रीय परियोजना घोषित करूंगा इसको। वसुंधरा जी बैठी हुई थी, जमन बनी हुई योजना है, 16 योजना क्षेत्र चल रही है, राष्ट्रीय परियोजना है, 17वीं योजना हमारे जोधपुर के आरती जो शेखावत है, गणेश शेखावत जी हमारे मंत्री पानी के, एक योजना वो शामिल नहीं करवा पाए देश के अंदर, राष्ट्रीय परियोजना पूरा पहला दिल्ली से मिलता टाइम पूरी होती योजना है। ऐसे एक निकम लगाया बना रखी है उन्होंने केंद्रीय मंत्री, कुछ काम नहीं किया, आप सोच सकते हैं कैसे काम करेगा। और अब क्या किया है सरकार, मतलब कि झूठ मूठ समझौता कर लिया है मध्य प्रदेश से, और आवाज रेट कर रहे हैं आप, आवाज रेट कर नाटक करें, बहुत अन्याय हो रहा है राजस्थान के साथ, यमुना का पानी झुंझुनू में वो भी नाटक है। इतने में आप अपील करूंगा, ये आप चमत्कार करो, आप रामचंद्र भगवान की जिंदा करके, ये मैं कहना चाहता हूँ, रामचंद्र भगवान को जिता के करो चमत्कार। रामनवमी भी है कल, उसकी भी आप सबको राम राम मेरी, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब जो है समझ लो देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसी रूप में आप आगे आएंगे। अजमेर की सीख नया चल बनेगा, रामचंद्र जी तो वो व्यक्ति है, आप जब जब पार्लियामेंट चलेगी रोज शाम को नाम सुनोगे अजमेर का, फिर आज रामचंद्र जी का रामचंद्र जी होगा, आज हमारी हिंदी बात ऐसा व्यक्ति है, ये तो 24 घंटे का आदमी है, कोई दूसरा काम रह नहीं थे, ये पागलपन हद तक जाकर के किसान की बात करता है वो आदमी रामचंद्र नाम होता है। इसलिए मेरा थाली आप गिरने की मजा रहे हो, मन है नहीं वोट देने का, थाली छोड़ लो मैंने से, थाली छोड़ लो बजाओ, ऐसा बजाओ आपको।
मतलब हाथ खड़े करके बताओ, हमारा संकल्प जिंदा कर सकते हैं, हाथ खड़े करो अपने लगना के वास्ते।